पिछले 12 घंटों से अर्पिता जी लगातार जम्मू में बारिश हो रही है और इस बारिश की वजह से जम्मू के ज्यादातर इलाके जो हैं वो बेहद परेशान है, जगह जगह पानी भर गया। बिल्कुल, और हालत कुछ ऐसी है कि भूस्खलन की वजह से हाईवे कई जगह बंद पड़े हैं, घंटों घंटों लोग जाम में फंसे हुए हैं। और इसी के साथ साथ हालात तो ऐसे भी होते जा रहे हैं, कई जगहों पर 12 घंटे से लगातार समझिए आप बारिश, और यह स्थिति कश्मीर तक हो गई। बिल्कुल, पिछले 12 घंटों से लेकर लगातार हो रही बारिश ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक को बेहाल कर दिया है। सबसे पहले आप जम्मू की तस्वीरें देखिए। आसमानी आफत से सड़कें पानी में डूब गई हैं, जगह जगह गाड़ियां फंस गई हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आप जम्मू से सटे कठुआ का हाल देखिए, मूसलाधार बारिश में जिंदगी अस्त व्यस्त है। सड़कों से लेकर घरों तक में बरसाती पानी ने कब्जा जमा लिया है। बारिश की वजह से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं और हाईवे पर सैकड़ों गाड़ियां फंसी हैं। जम्मू कश्मीर के सभी 20 जिलों में सुबह से ही भयंकर बारिश हो रही है, जिसके कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस समय जम्मू के कनाल रोड पर आप देख सकते हैं कि जो भारी वर्षा हुई है उसके कारण कितना लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं इस ट्रैफिक जैम में। और जहाँ तक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात है तो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आई है, भूस्खलन हुआ है, तो इसके कारण जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बंद कर दिया गया है। साथ ही में जम्मू पुंछ जो राजमार्ग है वो भी बंद कर दिया गया है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से दूसरी सड़कों समेत जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे बंद कर दिया गया है। चेनाब और तवी नदियों का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तवी नदी जो कि जम्मू शहर के बीचों बीच बहती है इस समय उफान पर है और तवी नदी का जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं और ऐसी स्थिति बाकी जिलों में भी जम्मू कश्मीर के है। चिनाब नदी जो कि जम्मू संभाग के कई जिलों से गुजरती है, चिनाब नदी का जल स्तर खतरे के निशान को छू चुका है और इसीलिए प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के पास ना जाएं। अब कश्मीर चलिए, सबसे पहले राजौरी की तस्वीर देखिए। भारी बारिश के बाद फ्लैश फ्लड ने कहर ढाया, धराली नदी उफनने लगी, लोग हैरान हैं, परेशान हैं। बारिश के मिजाज को देखते हुए राजौरी प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गांदरबल में भारी बारिश ने जबरदस्त मुश्किल खड़ी की है। सड़क पर कीचड़ की वजह से श्रीनगर ले हाईवे ठप है। यातायात शुरू करने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। उधर श्रीनगर पर आसमानी आफत का कहर जारी है। पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 12 घंटे से जमकर बारिशें हो रही है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ सिर्फ बारिश ही बारिश है और इतनी तेज और मूसलाधार बारिश पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है कि अब कई नदी नाले उफान पर है। हम इस वक्त श्रीनगर के जहलिम दरिया के किनारे खड़े हैं और आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से इस सबसे बड़े कश्मीर के दरिया में भी पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। इतना ज़रूर है कि शाम होते होते ये नदी पूरी तरह से पानी से सराबोर और लबालब भरेगी। यहाँ तक कि मौसम विभाग का कहना है, मौसम विभाग ने पहले ही कहा है कि करीब आने वाले 24 घंटे के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में तेज बारिशें होंगी। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कोहराम ऐसा है कि बालटाल से लेकर चंदनवाड़ी तक अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। माता वैष्णो देवी के नए ट्रैक पर भी एहतियातन यात्रा रोकी गई है। भूस्खलन के खतरे को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद कर दिया गया है और प्रशासन अलर्ट पर है। मौसम विभाग ने पूरे राज्य के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है और 48 घंटों का अलर्ट जारी किया है। इस बारिश के साथ साथ कई जगहों पर जो है क्लाउड बर्स्ट भी हुए हैं, जिनसे फ्लश फ्लड्स बने हैं, चाहे फिर वो गुरेज का इलाका हो या फिर गांदरबल जिला हो, जहां पर पहाड़ों में क्लाउड बर्स्ट होने से उन्होंने फ्लश फ्लड्स की शक्ल ले ली है। फिलहाल रामबन जिले में और
कई जगहों पर जो है प्रशासन ने आज दिन के लिए स्कूल और छोटे बच्चों का स्कूल जाना जो है छुट्टी कर दी है, ताकि किसी तरह की क्षति बच्चों को ना पहुंचे, क्योंकि चिनाब नदी भी जो है वो भी उफान पर है, उसमें भी पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। मूसलाधार बारिश होगी तो कुदरत के कई दूसरे खौफनाक रूप भी सामने आ सकते हैं, लिहाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को आने वाले 24 घंटे बेहद सावधान रहने की जरूरत है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक।